गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम भी देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल को देख रही थी तो मेरी अबाया वाली वीडियोस को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अनदर वीडियो ऑन अबाया, एंड दिस टाइम आई चोज अ डिफरेंट टॉपिक दैट हाउ टू लुक अ लिटिल लग्जूरियस इन अबाया। सो हियर वी गो। सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ टू वेयर योर फिट और वेयर अकॉर्डिंग टू योर फिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पतले हैं तो अपनी साइज के अकॉर्डिंग अबाया पहने। अबाया तो वही होगा ना जो आपके साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत पतली हैं और आपने चबी लड़की का अबाया पहन लिया, जितना आई मीन उसके साइज का अबाया पहन लिया, तो वो बहुत फजूल लगेगा। जो शोल्डर लाइन्स होती हैं और जो अबाया की लेंथ होती है, एटलीस्ट वो तो अपने साइज की रखें। बहुत अबाया जो अकॉर्डिंग टू योर फिट लें, नीचे से आपकी शलवारें जीन्स नजर ना आ रहा हो उस अबाया के नीचे। सो दैट्स एक्चुअली मेक्स दैट अबाया योर फिट। ये है टिप नंबर वन। सो सेकेंड टिप जो है वो है एक्सपेरिमेंट विद कलर। आपका जो भी अंडरटोन है, अगर आपका लाइट है तो उसके लिहाज से लाइट कलर्स पहने, अगर आपका डार्क है तो उसके लिहाज से डार्क पहने। मैंने अंडरटोन्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर तो आपके पास टाइम है तो प्लीज़ वो भी देख लें, सो दैट यू नो कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी। ठीक है, बट ये है कि ब्लैक या ये जो हमारे स्किन कलर के अबायज हैं, इनसे थोड़ा सा मोन करके डिफरेंट कलर्स ट्राई करें। You look good in that. मैं आगे मज़ीद टिप्स दूंगी, so that will eventually make you look luxurious in abaya. So the third tip is try layering. लेयरिंग में ऐसे कि आप दो कलर्स को भी लेयर कर सकते हैं, और एक नीचे प्लेन कपड़ा इनर का और ऊपर प्रिंटेड कपड़ा जो आउटर का होता है, उस तरह भी लेयर कर सकते हैं। या फिर आपका जो दिल करे आप उस लिहाज से दो कपड़ों की लेयरिंग कर सकते हैं, बट अनटिल और अनलेस वो दोनों कपड़े एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों जो भी फैब्रिक है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो तो उसको लें। अगर तो एक कहते हैं फॉर एग्जांपल ब्लू है और ब्लू के साथ आप ऑरेंज ले रहे हैं, थोड़ा ऑफ लगेगा ना। जो भी कलर फैमिली है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेयरिंग करेंगे तो वो आप पे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंट विद फैब्रिक। फैब्रिक का ये सीन है, एक तो वो जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है, एक वो जो सिंपल वाया, मुझे फैब्रिक का नाम नहीं आता, जो सिंपली दुकानों पर मिलता है। इसके अलावा जो भी फैब्रिक्स होते हैं ना, आप उनके भी बाया पहने, वो एक्चुअल में वो गेम चेंजर्स हैं। अब जो जितनी भी पहली तीन टिप्स हैं उनको और इस वाली चौथी टिप को मिला के, अगर आप दो तीन जितनी भी हो गई हैं, अगर उनको मिला के अगर आप इस एक्सपेरिमेंट विद फैब्रिक वाले के साथ मिला देंगे ना, गर्ल यू आर विनिंग योर गेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये जो लाइन्स वाला बाया है उसमें अगर आप पर्पल पहन लो, वाइट पहन लो, लाइट ब्लू, मैंने कुछ दिन पहले एक लड़की को पहना हुआ देखा था, शी वॉज लुकिंग स्टनिंग। स्टनिंग के मैं मतलब आगे वाला स्टनिंग। सो मेक श्योर आप वो वाला कपड़ा पहन रहे हैं, आप जब दूसरों से हट के थोड़ा सा काम करते हैं ना, ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रें आप पर जाती हैं। एक लड़की जिसने चार दिन से बाया धोया नहीं, आप धो के पहन के आ जाओगे, खुशबू लगा के आ जाओगे, लोग नोटिस करेंगे। बट वही ना, अबाया पहन रही तो खुशबू लगाना क्यों है। बट फॉर एग्जाम्पल आप इतना तो अपने आप को बॉडी स्प्रे या बॉडी मिस्ट लगा रहे हो कि जो आपके आपको कोई अगर मिल रहा है तो उसको खुशबू आनी चाहिए। ये नहीं कि आप मर्दों के पास से गुजर के जा रहे हैं तो चार मर्द सूंघ रहे हैं और फिर चार मर्द आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो नहीं करना, अबाया पहनने का मकसद ही खत्म हो जाता है फिर। बट ये है कि इतना खुद को रखें मेंटेन कि कोई भी आपको मिले वो खुश हो के जाए कि यार वाह क्या लड़की है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ के थोड़े से पैच वाला अबाया ले लें, एक ही लें, मेरे पास भी एक ही है, मैंने एक वीडियो में दिखाया वो भी है, डार्क पर्पल मरून कलर का, इस तरह का। तो इस तरह का बाय लेने का पता क्या फ़ायदा होता है, एक तो जो आपका थोड़ा फेस्टिव काइंड ऑफ चीज़ होती है ना वो उससे कवर हो जाती है, दूसरा अगर आपको प्रेजेंटेशन दे रही हैं, थोड़ा सा बिल्कुल हट के दिखना चाह रहे हैं अगर सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, या फिर कोई भी इस तरह की गेट टुगेदर हो रहा है जिसमें आपने थोड़ा सा नॉर्मल से हट के थोड़ा सा अच्छा वाला पहनना है, तो वो आपका काम हो जाता है, उससे आपका दिन सॉर्टेड हो जाता है, आपका अबाया का बाया रहता है। फैशन तो नहीं कहूँगी, फैशन भी काइंड ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये कि जो आपका मकसद है बाया पहनने का वो कायम दायम रहते हैं। तो इस तरह का एक अबाया ज़रूर अपने लिस्ट में ऐड कर लें, अपने वार्डरोब में ऐड कर लें, सो दैट यू लुक मोर शीक एंड लग्जूरियस। नेक्स्ट स्टेप इज़ विच आई ऑलवेज से, ऑलवेज 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 वियर योर बैग। वो वाला बैग लें जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, ऐसा बैग ना लें जो कि बिल्कुल ऑफ हो। प्लीज़ बैग एक ऐड कर लें, एक वाला एक भी बैग पे पैसा लगा लें, लेकिन वो हो जो जिसको देख के लोग कहेंगे कि यार अगर इसने एक ही बार में 10,000-5,000 लगाया हुआ है तो दिख रहा है। अगेन शूज़, वो कहते हैं ना अगर आपने सारे कपड़े फजूल लिए हुए ना लो, लेकिन जूते ऐसे लो कि किसी की नज़र पड़े ना तो वो कि क्या वाह यार क्या जूते हैं। बैग पे पैसे नहीं लगाने मेरी तरफ से ना लगाओ, लेकिन एटलीस्ट जूतों पे लगा लें। अगर आपके ऊपर लोफर्स अच्छे लगते हैं लोफर्स लें, जॉगर्स अच्छे लगते हैं जॉगर्स लें, फ्लैट्स अच्छे लगते हैं फ्लैट्स लें, वट एवर यू थिंक
आप पे अच्छा लगता है, लोग अगर आपने कभी पहना हो तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो वाले जूते पहने। अब जैसे इस वाले पिक्चर के एग्जांपल ले लेते हैं, उसने ग्रीन सूट नीचे लाइट ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई, नीचे जो जूते हैं कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे, ऑफ भी लग रहे हैं, कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लाइक ओवरऑल कोई वाइब नहीं आ रही। सो इस तरह की चीज़ें अगर पहनेंगे तो ऑब्वियसली आप लग्जरियस या फिर वो रिच वाइब्स नहीं आएंगी आपसे, या एक अच्छी वाली क्लीन गर्ल एस्थेटिक्स वाली वाइब नहीं आएंगी आपसे। सो कम ऑन गर्ल्स, लेवल अप योर गेम। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोज़ में भी जिक्र किया हुआ है वॉचेस पे और एक्सेसरीज पे, मैं बार बार जिक्र नहीं करूँगी, लेकिन ये कि प्लीज़ वॉच ऐड करें सो दैट यू लुक मोर गुड एंड एलिवेटेड। सो दैट्स इट, ये थी मेरी कुछ टिप्स आपको थोड़ा सा लग्जूरियस और अच्छा दिखाने के लिए पब्लिक में। प्लीज़ इनको फॉलो करें एंड मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट्स में कि आपको ये सारी कैसी लगी एंड वट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वॉन्ट मोर मी टू मेक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।